हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए भी जो टेम्परेरी सीलिंग फैन लगाना चाहते हैं और उन लोगों के लिए भी जो ज्यादा कॉस्टली सीलिंग फैन नहीं खरीदना चाहते हैं, मतलब ज्यादा हाई रेंज का सीलिंग फैन नहीं खरीदना चाहते हैं लेकिन हाई स्पीड सीलिंग फैन खरीदना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। इससे अच्छा आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है सीलिंग फैन के लिए। अगर आप एक टेम्परेरी सीलिंग फैन लगाना चाहते हैं और सस्ता सीलिंग फैन लगाना चाहते हैं, फुल गारंटी के साथ में आता है दोस्तों और फुल रिप्लेसमेंट के साथ में, यानी कि पूरा का पूरा मोटर चेंज कर दिया जाएगा अगर मोटर खराब होता है तो। पूरे सीजन की गारंटी होती है फ्रेंड्स इसकी, और इसका जो रेट है ना इतना कम है कि आपको विश्वास नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और उसके बाद में इसका रेट वगैरह बताता हूँ आपको। इसकी स्पीड दिखा देता हूँ, 2800 RPM पर मिनट, यानी कि 2800 RPM है दोस्तों इसके, यानी कि एक मिनट में 2800 चक्कर मारती है ये मोटर। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसको कैसे असेंबल किया जाता है और कैसे इसकी स्पीड है वो सारी चीज़ें मैं दिखा देता हूँ आपको। वीडियो पर बने रहिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लेना। चलते हैं वीडियो में और इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इस तरीके का ये मोटर होता है, ठीक है, 2800 RPM का मोटर होता है। इसको अगर आप बोलेंगे कि हमको छत में कैसे लगाना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये फ्रेंड्स इसका क्लंप है जो हमको ऊपर छत में लगाना होता है, ठीक है, इस तरीके से इसको टांगना होता है। अब आप बोलेंगे कि इसका ब्लेड कहाँ है, तो अभी मैं आपको ब्लेड भी लगा कर, ये हो गया फ्रेंड्स इसका ब्लेड, ठीक है, आप देख सकते हैं ये इसका ब्लेड है। बहुत ही परफेक्ट हवा है दोस्तों इसकी, इसकी हवा के सामने मतलब इतना ज़्यादा हवा का फ्लो होता है इसमें दोस्तों कि इतना किसी भी फैन के बस का बात नहीं होता, क्योंकि ये 2800 RPM होता है, एक मिनट में 2800 चक्कर लगाती है फ्रेंड्स ये मोटर। इसकी स्पीड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद में बताते हैं इसका रेट क्या है। देखेंगे दोस्तों इसकी स्पीड की, तो अभी आपको इसकी स्पीड दिखा देते हैं, चलाओ। आपको 40 वाट का 35 से 40 वाट करंट लेकर के चलता है, यानी कि आपके इन्वर्टर और लाइट दोनों पर काम करेगा, परफेक्ट काम करेगा इन्वर्टर पर भी और इन्वर्टर पर ज्यादा अच्छा काम करेगा क्योंकि ये कम से कम लाइट लेकर के चलता है। तो इसका जो बैकअप है कम से कम आपको 35 घंटे का बैकअप आपको मिल जाता है इन्वर्टर पे यूज करने पर। ठीक है फ्रेंड, बात करते हैं इसके रेट की, तो इसका रेट दोस्तों मार्केट में अभी 300 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगा। जहां पर सीलिंग फैन की बात करेंगे तो सीलिंग फैन के जो RPM होते हैं दोस्तों वो 410, हाई स्पीड सीलिंग फैन के RPM 410 होते हैं और बाकी जो नॉर्मल स्पीड के सीलिंग फैन है उनके RPM 360 और 350 के आसपास होते हैं। तो अगर आपको 2800 RPM वाला सीलिंग फैन चाहिए और कम से कम रेट में चाहिए तो दोस्तों 300 रुपये में मार्केट में आपको मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा, कितने का मिलेगा और कैसे मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स, सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे हिसाब से तो दोस्तों एकदम परफेक्ट चीज़ है अगर आप इन्वर्टर पर यूज करना चाहते हैं, बिल्कुल एकदम इसी सीलिंग फैन को आप यूज कर सकते हैं। मिनी सीलिंग फैन बोलते हैं फ्रेंड्स इसको, आप देख सकते हो मेरे हाथ में है ये, ठीक है, मिनी सीलिंग फैन बोलते हैं। और एक इसकी ये सबसे अच्छी बात क्या है फ्रेंड्स, ये साइलेंट चलता है, आवाज़ नहीं करता है, चलता है बिल्कुल साइलेंट चलता है, तो आप इसको बेफिक्री से यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप की जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।